हेलो, मैं लॉन्ग टाइम से वेजिटेबल लगाती आई हूँ अपने बगीचे में, पर अदरक मैंने फर्स्ट टाइम लगाई है। देखो अदरक के अच्छे हो रहे हैं पौधे। हमारे एरिया में काफ़ी बारिश होती है तो शायद सफल होती है, नहीं हार्वेस्टिंग के बाद ही मुझे पता चलेगी। और ये मेरी हल्दी है, हल्दी की वीडियो आपने पहले देखी होगी मेरी। अच्छे हो रहे हैं अभी मेरे बूटे। आज मैं आपको अपनी हार्वेस्टिंग की वीडियो दिखाती हूँ। ये भिंडी के पौधे हैं, काफ़ी लंबे लंबे हो गए हैं क्योंकि मैंने वीडियो चैनल अभी स्टार्ट करा है अगस्त में, और ये मैंने मई में लगाई थी। तो अब इसका एंड टाइम ही है क्योंकि सितंबर आ गया है अब। तो ये मेरा हाउसकीपर है, ये भिंडी तोड़ रहा है। मैं दिखाती हूँ भिंडी कैसे लगती है। ये हर पत्ते में आती है, एक एक पत्ते में लगती चली जाती है। जो फूल होता है उससे भी भिंडी ही बनती है। ये इस तरह से लगते चले जाते हैं और जो फूल होता है उससे भी भिंडी बनती है। और ये साथ में ही मैंने बैंगन लगा रखे हैं, 7-8 बूटे लगाए हैं, ज़्यादा नहीं लगा रखे हैं। ये भी मैंने मई में लगाए थे, पौधे लेके आए थे हम लोग और लगाए थे। उसी तरह लगाते हैं जैसे आम गोभी के पौधे लगाए थे मैंने। उसके बाद इसकी भी 2-3 बार गोड़ी मारते हैं, अच्छे से गोबर की खाद देते हैं ताकि बूटा अच्छा लंबा होए। जितना बड़ा बूटा होएगा उतने ही फ्रूटिंग देगा। तो देखो काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं ये हमारे, 3-3, 4-4 फुट के हो रहे हैं और अच्छी हार्वेस्टिंग देते हैं हमको ये। और इसके साथ ही मैंने उधर हरे बैंगन भी लगाए हुए हैं। हरे बैंगन थोड़े पहले लगाए थे मैंने, मार्च में लगाए थे थोड़े से। अब इन बैंगन के पौधों ने फ्रूटिंग देना भी कम कर दिया है और इनके पत्ते भी कम हो गए हैं। एक बार मैंने इनकी कटिंग भी कर दी है क्योंकि ज़्यादा फैल गए थे ये और कम दे रहे थे, फ्रूटिंग कम कर दी थी इन्होंने। तो एक बार आप भी हरे बैंगन लगा के देखो, ज़बरदस्त फ्रूटिंग देते हैं ये और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। जब हम बनाते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं ये। एक दो बार मैं इनकी हार्वेस्टिंग लेने के बाद अक्टूबर के एंड में नीचे से काट दूंगी। और आप भी कभी बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं तो बिल्कुल जड़ से ना उखाड़ें, उन्हें ऊपर से थोड़ा सा काट दें और उनमें अच्छे से गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद मिलाएं तो ये पौधे दोबारा से ग्रो हो जाते हैं और दोबारा से जल्दी पौधे में फ्रूटिंग चालू हो जाती है। क्योंकि नया पौधा लगाएंगे फिर वो 1.5-2 महीने लगाता है बड़े होने में और फ्रूटिंग देने में, ये साथ के साथ ही फिर दोबारा से फ्रूटिंग देने लग जाते हैं। देखो कितने फ्रूटिंग हुई है, मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। और पूरी टोकरी भर गई है देखो मेरी, हरे बैंगन से, काले बैंगन से और भिंडी से। अब मैं इनको अलग अलग करके दिखाती हूँ आपको। देखो काफ़ी सारी है ना, एकदम ऑर्गेनिक सब्जी है, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। अब हम लौकी हार्वेस्ट करने चलेंगे। देखो लौकी लग रही है मेरी, कितनी अच्छी है, एकदम स्वस्थ लौकी है। एक लौकी लगी हुई है, ये साथ में दूसरी भी लगी हुई है। और जब भी काटें आप अपनी वेजिटेबल को तो कैंची या किसी कटर से या चक्कू से काटें तो अच्छा होता है, इससे बेल को नुकसान नहीं पहुंचता है और आसानी से आप काट भी सकते हैं। देखो एक है, एक ये साथ में ही लगी हुई है, ये दूसरी लौकी है। और ये बेल मेरी काफ़ी लंबी फैली हुई है क्योंकि मैंने 2 बेलें लगाई हुई हैं, इस साइड में और एक साइड में उधर लगाई हुई है। तो हमेशा आप जब भी लगाएं तो 2 या 3 बेलें लगाएं ताकि पॉलिनेशन में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ज़्यादा बेलें होंगी तभी पॉलिनेशन होगा, नहीं तो आपके फूल झड़ेंगे या फिर आपकी जो छोटी लौकी है वो ख़राब हो जाएगी। तो हमेशा 2-3 बीज लगाएं ताकि 2-3 बेलें चलें आपकी एक साथ। अब देखो कई जगह लगी हैं छोटी छोटी सी लौकियाँ, जगह जगह लगी हुई हैं। और मेरी बेल भी देखो कितनी लंबी फैली हुई है, और पत्ते देखो इनके एकदम स्वस्थ हैं, बिल्कुल हरे। इसके कारण इसमें जो सब्जी और फ्रूट लगता है वो भी बहुत अच्छा लगता है, कहीं कोई कीड़ा नहीं है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने कितनी सारी लौकी हार्वेस्ट करी है और अभी भी बेल में लगी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दिख रही हैं आपको, आइए। और छोटी सी और भी लगी हुई है एक इधर साइड में, ये देखो ये। और इसके बाद अब मैं आपको तोरी हार्वेस्ट करने लेके चलती हूँ। देखो तोरी भी है, कटर से ही काटूँगी ताकि बेल को नुकसान ना हो। आप इस बेल के पत्ते देख सकते हैं, कलर चेंज हो गया है और साइज़ भी छोटा हो गया और सुकड़ से गए हैं थोड़े। इसके कारण
इसका जो फ्रूट है उस पर बहुत असर पड़ रहा है, वो छोटे छोटे हो गए हैं बहुत। और इस बेल में काफ़ी मकौड़े हो रहे हैं काले काले, जो कि पॉलिनेशन का काम करते हैं तोरी बनाने में। और ये बेल को मैं इस कारण से भी नहीं हटा रही हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि मैंने इसके नीचे गोभी लगा रखी है जो कि गोभी को छाया दे रही है। और आप अब मेरी हार्वेस्टिंग देख सकते हैं कितनी सारी है। देखो साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है पहले की नस्बत, पर ठीक है। लौकी 4 मैंने अपने हाउसकीपर को दे दी है, ठीक है। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके बाय।